नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने उड़ीसा के पूरी तट पर रेत के 100 रथ बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उन्होंने बताया, मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से इस बारे में औपचारिक पुष्टि मिल गई है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, भगवान जगन्नाथ के रेत के 100 रथों ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। पद्मश्री से सम्मानित पटनायक पहले ही 20 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वे हर साल रेत पर रथ यात्रा से संबंधित कलाकृति बनाते हैं। उन्होंने बताया कि 2500 वर्ग फुट के क्षेत्र में 100 रथ बनाने के लिए बालू की करीब 800 बोरियां लगी हैं। इसे बनाने में उनके संस्थान के 25 छात्रों ने उनकी सहायता की है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने 2 जुलाई से बालू पर काम करना शुरू कर दिया था। 3 दिन के अंतराल में इस काम को पूरा कर लिया गया। ये सारी फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करी हैं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।